अच्छा, अब हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें हमने क्या स्टडी किया था। उसमें मैं आप सबसे पहले आपके साथ आउटलाइन शेयर कर देता हूँ कि उसमें हमने सबसे पहले जेंट्स और उसके इन्वायरमेंट्स को देखा था, फिर हमने टॉक अबाउट रैशनैलिटी एंड देन टॉक अबाउट पीस, और उसके बाद इन्वायरमेंट टाइप्स को देखा था, और उसके बाद हमने डिफरेंट एजेंट्स की टाइप्स को भी देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी एजेंट की कि एक एजेंट क्या होता है। एजेंट दैट कैन परसीव एंड एक्ट, परसीव थ्रू एनवायरनमेंट्स एंड एक्ट थ्रू सेंसर्स, के जो अपनी सेंसर्स के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से परसीव करता है और एक्चुएटर्स के थ्रू उसको परफॉर्म करता है। तो इसमें हमने ह्यूमन एजेंट्स की बात की थी, जैसे हमारे वासे खमसा है। ठीक है, तो ये एज ए इनपुट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लेग्स हैंड हैं, ये एज ए एक्चुएटर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम रोबोट की बात करें तो वो हमारी कॉपी होती है। और अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर एजेंट की, तो वो पॉसिबली थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर वुड बी, कि की स्ट्रोक हो सकते हैं, की जो आप पंच करते हैं, या वो फाइल फाइल से डाटा ले सकते हैं, या वो ओवर दी नेटवर्क डाटा ले सकते हैं, और उसके एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं कि वो अपने डाटा को, जो भी उसका रिजल्ट आए, उसको स्क्रीन पे शो कर दें, या उसको किसी फाइल के अंदर राइट कर दें, या उसको सेंड ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर एजेंट के अंदर ये एक्चुएटर्स और सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि एक एजेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द आर्किटेक्चर एंड द सेकंड इज प्रोग्राम। प्रोग्राम है जो कि उसका, आप इसको माइंड कह लें, जो कि वो क्या करेगा। ठीक है, उसका जो सारी डिसीजन मेकिंग है, सब जो है वो प्रोग्राम डिसाइड करता है कि क्या करना है, और उस करने को, जो भी वो करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए एक आर्किटेक्चर होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर प्रोग्राम कहता है ये रन रन करो, भागो, तो क्या है कि भागने के लिए भी एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर भागने की सलाहियत हो, ताकि वो आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की, जिसमें हमारे पास टू सेल्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये टू सेल्स हैं जिसके अंदर डर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, और एक हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है, उसको एज इनपुट हमारे पास दो परसेप्ट रिसीव होते हैं। एक है लोकेशन ऑफ द सेल, ये वो इस वक्त कौन से सेल में है, वेदर इट इज़ इन ए और बी, एंड द सेकंड वन इज़ द स्टेटस, कि वो डर्टी है सेल या क्लीन है। तो ये दो उसको परसेप्ट रिसीव होते हैं, और उसके मुताबिक वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है, लाइक वो मूव लेफ्ट, मूव राइट, और सब का ऑपरेशन, ये कोई भी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इनपुट पैरामीटर को परफॉर्म करता है। और ये इसका एक सिंपल सा वो टेबल मेंटेन कर लेता है, जिसमें, और ये सिंपल सी इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाती है, कि अगर ये काम होगा तो फिर उसका ये रिजल्ट होगा, ये काम होगा तो ये रिजल्ट होगा। तो ये भी एक बेसिक इंटेलिजेंस की खास बात है। जैसे आप में से अगर कोई किसी को किसी शॉप के ऊपर बिठा दिया जाए कैश काउंटर पे, और आपको प्राइसेस का नहीं पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस हैं, तो आपके आपको एक लिस्ट दे दी जाए जिसमें प्रोडक्ट्स नेम हैं और उनके आगे प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप उस लिस्ट में से देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के क्या प्राइस हैं, और वो आप ले लेंगे। सिंपल सिंपल सा काम है, एक टेबल ही ना बेसिकली आपके पास बना हुआ, जहाँ से आप देखते हैं प्रोडक्ट कौन सी है और उसके अगेंस्ट क्या प्राइस लिखी हुई है। ये बेसिक इंटेलिजेंस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैशनल एजेंट्स। रैशनल एजेंट, हमने बात की थी कि ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, ठीक है, जो हमेशा ठीक काम करते हैं, और उसको कैसे जज किया जाएगा, जजमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक काम का कैसे हम कहेंगे कि इसने ठीक काम किया है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक परफॉर्मेंस मेजर बनाएंगे।
यानी कि उसको उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का कोई ना कोई पैमाना हमारे पास होना चाहिए, एंड दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि आई बाई नहीं होना चाहिए कि अच्छा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये बड़ा की ऑब्जेक्टिवली डिफाइन होना चाहिए कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। जैसे आपका CGPA सिस्टम है, GPS सिस्टम है, तो ये बड़ा बड़ा क्लियर सिस्टम है ग्रेडिंग का, और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि अब आप ये नहीं है कि कुछ का एक स्टूडेंट का कुछ और आ गया रिजल्ट और किसी का दूसरे का और है ऑन द सेम नंबर्स या ग्रेड्स। ठीक है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। जो पॉलिसी है ए की, तो सब कोई ए को, एक ही पॉलिसी जो है वो सब ए ग्रेड, ए की सबके लिए सेम है। तो उसमें उसमें अगर बी ग्रेड है तो उसके भी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं कि यहाँ से लेके जहाँ तक बी है, ऐसे ही सी है। ये सारी की सारी हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। तो जब हम वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकती है? इसकी परफॉर्मेंस मेजर में द अमाउंट ऑफ डर्ट क्लीन्ड ये हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो सकता है, या नॉइस जनरेटेड हो सकता है, या इनका कम्बिनेशन कुछ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल एजेंस की, तो उसमें हमने बेटा कुछ एक दो कंसेप्ट हैं, वो बड़े हमने स्टडी किए थे। उसमें एक कंसेप्ट था ओमनी साइंस का और रैशनैलिटी का। तो रैशनैलिटी क्या है कि वो हमेशा बेस्ट आउटकम देगा, या इन कंडीशन वेयर द एनवायरमेंट इज अनसर्टन बेस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमनी साइंस। तो क्वेश्चन ये है कि ओमनी साइंस क्या है? ओमनी साइंस में हमने स्टडी किया था, इसमें ऑल नोइंग तमाम जानना, खुदा, ये तो खुदा की एक आप कहने की प्राप्ति है कि जिसको सबका पता है, हर चीज का पता है। ठीक है, लेकिन ये रैशनैलिटी नहीं होगी, फिर इसको हम रैशनैलिटी कंसिडर नहीं करेंगे। इसको मैं ऐसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप एक रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो रैशनैलिटी की डिमांड ये है कि आप बिफोर यू स्टार्ट वॉकिंग, आप लेफ्ट राइट पे देख लें आगे पीछे कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, कोई चीज़ की और व्हीकल। ठीक है, और अगर आप कहें कि कोई चीज़ नहीं आ रही और रोड क्लियर है, तो आप यू स्टार्ट मूविंग और आप एक रोड के मिड में पहुंच गए हैं, तो अचानक क्या होता है कि आपके ऊपर से आपको ऊपर एक एरोप्लेन का गेट या दरवाज़ा जो है वो आपके ऊपर आप गिरता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि क्या आपका वो सड़क पार करना एक रैशनल डिसीजन था? तो अगर जो बात मैंने की है उसके मुताबिक तो एब्सोल्युटली एक रैशनल डिसीजन था, आपने रैशनैलिटी के सारे तकाजे पूरे किए थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि ऊपर से एक एरोप्लेन आएगा और उसका दरवाजा गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता होता तो फिर आप ओमनी साइंस होते, ओमनी साइंस होते, और आपको तो हर चीज़ का पता है। ठीक है, तो ये चीज़ का डिफरेंस आपके आपको आपको पता होना चाहिए। जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है, और उसके बाद एक बाउंड्री है, और उसके एक क्रॉस जो ऑटोनमस होते हैं, ऑटोनमस एजेंट वो है जो लर्न फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, उसको हम कहते हैं वो ऑटोनमस है। और फिर हम इसको समराइज करें तो एक रैशनल एजेंट में तीन चीज़ें लाजमी हैं, एक्सप्लोरेशन चाहिए होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, और अटॉर्नी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने रैशनैलिटी का जज क्राइटेरिया था, द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस। उसके बाद हमने बात की थी द एजेंट प्रायर नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है, पॉसिबल एक्शंस द एजेंट कैन परफॉर्म, और एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे पास है पीस। पीस स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। ठीक है, तो किसी भी एजेंट की हम पीस एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं टू नो अबाउट इट। तो अगर हम बात करें लेट्स सपोज टैक्सी ड्राइवर की, तो हमने बात की थी कि एक टैक्सी ड्राइवर के लिए हमारा परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकता है, सेफ हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लीगल हो सकता है, कंफर्टेबल हो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये इसका परफॉर्मेंस मेजर है।
एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रैफिक, इसका जो ट्रैफिक जो है यूजली वो रोड्स के ऊपर चलती है, वेदर, कस्टमर्स एंड सो ऑन, ये उसकी हमारे पास एनवायरनमेंट हो सकती है। उसके बाद फिर एक्चुएटर्स हैं, तो वो स्टीयरिंग व्हील्स हैं, एक्सेलरेटर हैं, ब्रेक हैं, सिग्नल हैं, और लास्टली हमारे पास सेंसर्स हैं, डैशबोर्ड वुड कैमराज, सोनार, स्पीडोमीटर, जीपीएस एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी की सारी पीस प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, ऑफ दी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर। तो ऐसे ही हमने और भी काफ़ी पढ़ी थी, लाइक मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, सेटेलाइट इमर्ज एनालिसिस सिस्टम, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट, रिफाइनरी कंट्रोलर, इंटरएक्टिव इंग्लिश ट्यूटर। ठीक है, तो ये हमने इसकी सारी पीस प्रैक्टिस करी हुई थी। उसके बाद हमारे पास एनवायरनमेंट टाइप्स थी, तो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स को स्टडी किया था, और उसमें जो पहली बात थी कि आवर एनवायरनमेंट कैन बी फुली ऑब्जर्वेबल है या पार्शली ऑब्जर्वेबल है या नॉन ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो है कि हमारे जो एजेंट है वो या तो सिंगल एजेंट हो सकता है या मल्टी एजेंट हो सकता है। अगर वो मल्टी एजेंट है तो उसकी एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दैट वुड बी कि वो कोऑपरेटिव है, कम्पिटिटिव है, ठीक है, और सम कम्युनिकेशन बिहेवियर वो एसेंशियल हो जाता है जब हम मल्टी एजेंट्स की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी थी वो डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक थी। डिटर्मिनिस्टिक है कि हमें करंट स्टेप से अगले स्टेप का पता चल जाता है, लेकिन स्टोकास्टिक में नहीं पता चलता, उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड थी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है बेसिकली कि हमें नहीं पता कि अगला स्टेप में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, एक चीज़ होगी या दूसरी होगी। ठीक है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद हमारे पास टाइप्स में एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल है, कि वो एपिसोड के फॉर्म में आती है या वो सिक्वेंशियल के फॉर्म में हमारे पास एनवायरनमेंट है। ऐसे ही स्टैटिक है वर्सेस डायनामिक है वर्सेस सेमी डायनामिक है, कि क्या एनवायरनमेंट पे मुसलसल चेंज हो रही है या वो नहीं चेंज हो रही, या उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहे, तो इन तीनों में से कोई एक टाइप की हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, और लास्टली हमारे पास है कि नोन है या अननोन है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टास्क एनवायरनमेंट्स हैं, उनकी हमने बात की थी। क्रॉसवर्ड पजल है, चेस विद द क्लॉक है, पोकर है, बैकगमन है, टैक्सी ड्राइविंग है, मेडिकल डायग्नोसिस एंड सो ऑन। ये हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स इसके अंदर स्टडी की थी। उसके बाद हमारे पास बेटा हम बात करेंगे एजेंट टाइप्स की। तो प्रीवियसली वी हैव स्टडीड फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, द सेकंड वन नोन एज मॉडल बेस्ड एजेंट, द थर्ड वन नोन एज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, एंड लास्ट सॉरी थर्ड वन इज नोन एज गोल बेस्ड एजेंट, एंड द लास्ट वन इज नोन एज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड द नेम इज़ आल्सो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें हमारे पास इफ देन की स्टेटमेंट होती है, इफ अगर एक काम हो रहा है तो देन हम उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास एक लुकअप टेबल की फॉर्म में होता है, इफ एल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे सादा इंटेलिजेंस जो कि हम शो कर सकते हैं अपने आर्टिफैक्ट्स में वो थ्रू इफ एल्स कर सकते हैं। तो आपने अगर आपके पास से आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस शो करे, ठीक है, सादा सबसे सिंपल, तो उसमें सबसे सिंपल और बेसिक इंटेलिजेंस यही है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू उसकी कुछ कंडीशंस लगा दें कि अगर ये हों तो ये करे, अगर ये हों तो ये करे। ठीक है, तो इसको भी हम एआई कहेंगे, और ये हमारे पास एजेंट की सबसे सादा सिंपल काइंड है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, अल्लाह के मखलूक उनमें शामिल होता है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी मखलूकात हैं जिसमें हमने बात भी की थी कि बड़ी सिंपल सी हैं, इंसेक्ट्स हैं, इवन कि सिंगल सेल डिफरेंट जो चीज़ें हैं वे सिंगल सेल्स भी हैं। ठीक है, जिनमें जिनकी पूरी पूरी बॉडी ही एक सेल के ऊपर है। ठीक है, तो जाहिर है फिर वो काम भी लिमिटेड ही कर
करती हैं, उनकी जो एक्शंस है वो भी महदूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है एजेंट्स को। उसके बाद हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ एजेंट नोन एज मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट में क्या होता है कि बस का रिफ्लेक्स एजेंट में तो हमने कहा कि अगर ये एक बात है, एक चीज़ है, तो हम उसके ये रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कि एक चीज़ है जिसको जिसको हमने रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपके पास फुली अवेलेबल नहीं है, वो पार्शली है, मिस इन्फॉर्मेशन है, पार्शल अवेलेबल है। ठीक है, वो है वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपके पास टोटल नहीं है, तो फिर आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी की सारी ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आप इन्वायरमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा आपकी भी लिमिटेशंस हैं एजेंट की कि वो इन्वायरमेंट को ऐसे चेंज करे। तो फिर क्या है कि एक मॉडल जनरेट किया जाता है, कुछ मेमोरी क्रिएट की जाती है, कुछ चीज़ें याददाश्त के लिए रख ली जाती हैं, याद कर ली जाती हैं, ताकि उनको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके साथ मिला के एक मॉडल क्रिएट किया जा सके, एक प्रोग्राम, एक मॉडल, एक खाका तैयार कर लें कि अच्छा ये पॉसिबल इसका इनपुट है और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स हमारे पास पड़ा हुआ है, हम वो रिस्पॉन्स उसको दे दें। ठीक हो गया जी। इसमें हम बेसिकली एक इंटरनल स्टेट को, जो कि जिसको मैंने मेमोरी भी कह दी है, वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट्स हैं। तो बाज का ये होता है कि हमारे जो चीज़ें ये इन्फॉर्म जो मॉडल बेस्ड की भी डाल के बाज का इनफ नहीं होती, जैसे कि एक गाड़ी जो है वो एक अगर एक चौक पे खड़ी है, तो अब वो सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है, तो अब उसको नहीं पता कि वो क्या करे, आगे जाए, पीछे जाए, राइट जाए, लेफ्ट जाए। अगर उसके पास कोई गोल नहीं है तो वो क्या करेगी। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे एजेंट के पास गोल होना चाहिए ताकि वो उसको अकम्प्लिश कर सके। तो इसके लिए फिर हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ एजेंट्स हैं, जो जिनके पास गोल होते हैं और वो उनको परसू करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सबसे इन चार तीनों तीनों के बाद एक आखिरी जो टाइप है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। बाज का गोल भी इनफ नहीं होते हैं। लेट्स अगर आप एक टैक्सी से लाहौर जाते हैं, तो गोल ये है कि लाहौर पहुंचना है, तो आप लाहौर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टैक्सी पता नहीं आपको जिंदा लेके जाती है या कैसे किसी और तरीके से डेड बॉडी की फॉर्म में ले जाती है। ठीक है, गोल उसका अचीव हो गया, उसने आपको ले जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आप हाउ मच यू सेटिस्फाइड विद दिस राइड। ठीक है, आप कितने सेटिस्फाइंग हैं, क्या वो राइड सेफ थी, सिक्योर थी, लीगल थी। ठीक है, और जितने पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिकल थी, तो अगर तो ये सारा कुछ था तो दैट्स मीन यू आर वेरी हैप्पी, और अगर इनमें चीज़ें मिसिंग है, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, तो दैट यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, इस हैप्पी अनहैप्पी को हम यूटिलिटी थ्योरी के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करें, इसको हम यूटिलिटी एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमारे पास ये आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो बेटा जी, हमारे पास फोर बेसिक काइंड ऑफ एजेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में एक एजेंट है, उसको हम कहते हैं काइंड ऑफ एजेंट, जिसको हम लर्निंग एजेंट्स कहते हैं। लर्निंग एजेंट्स जो हैं, बेसिकली इन चारों जो बेसिक टाइप्स हैं, इनको मिला के हम एक एजेंट बना सकते हैं, जिसको हम लर्निंग एजेंट कहते हैं। वो इन चारों में से कोई एक एजेंट होगा जिसको हम एडिशनल कैपेबिलिटीज दे देते हैं, और वो जो कैपेबिलिटीज हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हम अपने फिगर्स वगैरह में डिस्प्ले पहले भी कर चुके हैं। उसमें लर्निंग एलिमेंट है, परफॉर्मेंस एलिमेंट है, क्रिटिक है, प्रॉब्लम जनरेटर है, ये फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, दैट इज द एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन रिप्रेजेंट आवर एजेंट्स इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, द सेकंड वन इज इन फैक्टर्ड, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। इन एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, इज सिंपली वी जस्ट डिस्प्ले वन स्टेट एज अ होल ब्लैक बॉक्स। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट एक ब्लैक बॉक्स है, जिसकी एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडी ट्रीज। एक ट्री जो है, जैसे
जैसे हमने बनाया था सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज, ठीक है, तो हमने नोड्स को एज ए स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें नहीं पता वो नोड्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फैक्टर रिप्रेजेंटेशन। फैक्टर में हमारे पास एक सिंगल नहीं है बल्कि हम उसे एक टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, जैसे एक टेबल बना दिया और उस टेबल में 8-10 कॉलम हैं और एक जो रो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 8, 9 या 10 जितनी भी कॉलम्स हैं उतना डाटा उसके अंदर मौजूद है डिफरेंट, ठीक है, उन सबको मिला के, सब वेरिएबल्स को सबको मिला के हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आज जो ना आज का वेदर रेनी है, ठीक है, तो रेनी से क्या मुराद है, क्या ये एक सिंगल एटॉमिक होगी या फैक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। रेनी को हम क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड इतनी है, डायरेक्शन इतनी है विंड की, ठीक है, और कोई फैक्टर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स मिल के एक स्ट्रक्चर्ड फैक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें बताती है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी रिप्रेजेंटेशन है डेट इज़ वेरी एडवांस्ड लेवल एंड नोन एज स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, उसमें टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि हम क्या करते हैं अपने डेटे को इस फॉर्म में रखते हैं, उसमें हम अपने डेटे को रखते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप की फॉर्म, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है और ख़ासतौर पे जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह है वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल